जी चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास में एप्टेक है, 182 रुपए पे लिया हुआ 10 सौ। ओके, कितना नजरिया है सर, कितने समय रख सकते हैं आप इसे? मैडम ये मैं 8 से 10 मंथ के लिए। ठीक है, 182 की बाइंग है, इनकी बाइंग से थोड़ा नीचे है, लगभग 10 रुपए तक का डिफरेंस है। राजेश क्या सलाह रहेगी आपकी? एप्टेक आज दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 171 के लेवल्स पर, इन स्तरों पर क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्हें? देखिए काउंटर ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपने एंटर कहाँ किया है। एप्टेक में जो रैली हुई थी वो रफली 70-75 रुपीज़ से चालू हुई थी और उसका जो हाई था वो 180 के आसपास है। सो आपने ऑलमोस्ट जो एंड ऑफ द लेग है वहाँ पे आपने बाय किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंट्री जो है वो बहुत हाई प्राइस पे हुई है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा एक मूव आने के बाद डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सो आई प्रीफर टू एग्जिट एट दिस लेवल। मुझे लगता है एक बार के लिए करेक्शन में आएगा तो 120-110 का लेवल मिलेगा, आई थिंक दैट इज द राइट टाइम वेर यू कैन एंटर एट दिस काउंटर। और राइट, एप्टेक में फिलहाल बने रहने की सलाह दी जा रही है, आपका जो बाइंग लेवल है उस तक उसको आप क्लोजली फॉलो करें, फिलहाल बने रह सकते हैं। अगले दर्शक हैं गौरव बत्रा जो कि नोएडा से है। नमस्कार गौरव, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी गौरव, गुड आफ्टरनून, पूछिए कौन सा स्टॉक है। जी मैम मेरे वॉक फॉर में लिया हुआ है मैंने, 200 शेयर 906 के एवरेज से है, तो उसका बस मुझे शॉर्ट टर्म के लिए था, तो वो जानना था कि मतलब और 5 से 10 दिनों के अंदर क्या है शेयर 930 रुपए के रेंज दिख सकता है क्या? ओके, वॉकहार्ट जैसे आपने बताया, इसके पीछे हाल फिलहाल में जो खबरें आई हैं, जो न्यूज फ्लो है, क्या आप उसे ट्रैक कर रहे हैं? जी मैं न्यूज ट्रैक करने के बाद ही मैंने बैंक की। ऑलराइट, इनकी जो एवरेज प्राइसिंग है वो 906 के आसपास है। अभिमन्यू वॉकहार्ट को लेके कह सकते हैं कि पहले खबर आई कि USFDA की तरफ से चिकलदाना प्लांट को क्लीन चिट मिली, फिर कंपनी ने सफाई दी कि फिलहाल ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद हमने एक स्ट्रांग अप मूव देखा, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली है। आज के सेशन में 900 के लेवल्स के आसपास ही है, ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? इनकी एवरेज जो प्राइसिंग है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग स्तरों पर खरीदारी की है, आज दिन के निचले स्तरों पर है, 906 की इनकी खरीदारी है, क्या सलाह देंगे आप शॉर्ट टर्म में वॉकहार्ट में क्या करना चाहिए? सी ऐसा है कि व्हेनेवर जो कहीं भी रेगुलेटर इन्वॉल्व होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कहने के लिए कि क्या फ्यूचर में होगा उसका डिसीजन। तो मेरी हमेशा निवेशकों को यही राय देगी कि अगर वो इस तरीके से मान लीजिए फार्मा सेक्टर में उनको ये प्ले करना है तो आइडली उनको 3 से 4 स्टॉक लेके रखना चाहिए जिन जहाँ भी USFDA के कंसर्न्स हैं, और फिर वो पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके वो बेटर रहेगा, रादर देन एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ही बेट करें कि उसका न्यूज़ आएगा तो उसकी वजह से स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इस बार ही हमने देखा कि कंपनी ने ऑलरेडी डिनाई किया है। तो एज अ स्टॉक आई वुड से कि लॉन्ग टर्म 10 दिन के लिए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एट दिस लेवल थोड़ा अगर नीचे आए स्टॉक 850 के आसपास आए तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कुड बी अ डिसेंट बाय, कंसिडरिंग के रिस्क रिवॉर्ड देखें और आप 3-4 स्टॉक्स में लें उनमें से एक रिस्क वॉकहार्ट हो तो उसी हिसाब से ही मैं वॉकहार्ट में लेने की रिकमेंडेशन दूंगा निवेशक को। जी बिल्कुल, अगले कॉलर मिस्टर दिनेश फ्रॉम अहमदाबाद, नमस्कार आपका सवाल पूछिए। आईबीएल बैंक का 60 साल से अभी आईपीओ में एलर्ट हुआ है, 225 का भाव का था, अभी उसको क्या करे, होल्ड करे कि अभी थोड़ा वेट करे? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं अभिमन्यू से राय लेते हैं। इनफैक्ट इट्स अ वेरी रिसेंटली लिस्टेड बैंक, आरबीएल बैंक, जैसे उन्होंने बताया आईपीओ एलोकेशन 225 ऑड लेवल्स पर उनको हुआ है, 301 इज द करंट मार्केट प्राइस। फंडामेंटली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस अभिमन्यू? सो ब्रॉडली स्पीकिंग बैंकिंग में जो भी रिसेंट इश्यूज आए हैं और NBFC सेगमेंट में भी जो आए हैं, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं। इन केस ऑफ आरबीएल ऑल्सो उसका जो बैकग्राउंड है उसका कैसा मैनेजमेंट में टर्न अराउंड वगैरह किया है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहा है। ओवरऑल वी आर क्वाइट बुलिश एज सच ऑन द सेक्टर, आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट स्पेसिफिकली ऑन आरबीएल, बट ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से वी फील दैट जब इकॉनमी में टर्न अराउंड आएगा तो आरबीएल इज़ अ गुड बैंक, यू नो within the sector also it's a decent one, but I would not like to comment per se what to do with the stock.
All right, RBL Bank recent listing इस listing यहाँ पर भी आधा परसेंट तक की तेजी आज के सेशन में 300 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड होते हुए दिख रहा है. बात करते हैं हम जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक की जो आज शाम 4 बजे है. वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि इस बैठक में जीएसटी रेट तय करने पर चर्चा होगी. साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि एग्री और फूड आइटम्स को फिलहाल जीएसटी के दायरे से दूर रखा गया है. अर्जुन मेघवाल एमओएस फाइनेंस से खास बातचीत की जी बिजनेस ने. जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक है, किस तरीके से देखा जाए, कई तरह के डाउट्स हैं और एग्जम्पशंस को लेकर प्रोडक्ट के सर्विसेज के, सो कौन कौन से एरियाज होंगे जहां पे एग्जम्पशंस मिलेंगे. तो देखिए बड़ा इशू तो जीएसटी में जो स्टैंडर्ड रेट है उसको लेकर के है, और सेकंड बड़ा इशू जो एरिया बेस्ड एग्जम्पशन और प्रोडक्ट बेस्ड एग्जम्पशन उसको लेकर के है. जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, हिली एरियाज में कुछ एग्जम्पशन दे रखे हैं, कुछ राज्य सरकारों ने भी कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को एग्जम्पशन दे रखा है. जैसे मैं राजस्थान से आता हूं, मंगला तेल निकलता है, उसको एग्जम्पशन कई चीजों का दे रखा है. तो ये ऐसे इशू है जो जीएसटी काउंसिल में ही डिस्कस होंगे, और धीरे धीरे जैसे आपने देखा होगा कि कल हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत से ऐसे जीएसटी पे क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हैं, उनके आंसर आज दिए, मीडिया में कई जगह छपा भी है. और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि जीएसटी में एक देश एक टैक्स की तरफ देश बढ़े, लेकिन ये एग्जम्पशन और ये कब तक रहेंगे, कहां तक रहेंगे, कितने अरसक तक रखना है, ये सब जीएसटी में डिस्कस करेंगे. लेकिन उद्देश्य एक ही है कि एक देश एक टैक्स की ओर ही देश आगे बढ़े. सर, एक अगर रेट्स की हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कई तरह के रेट्स हो सकते हैं, तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसका क्या स्ट्रक्चर? वो देखिए एक इशू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी एक पेपर सजेस्ट किया है, स्लैब बनाने की बात आई है, वो जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे आइटम है जैसे एग्रीकल्चर आइटम है, फूड आइटम है, उसमें जीएसटी थोड़ी अभी लाएंगे, वो जीएसटी से एग्जम्पशन भी रहेंगे. कई ऐसे आइटम है जिसमें आज इनडायरेक्ट टैक्स कम है, तो उस पर एकदम से स्टैंडर्ड टैक्स का भार थोड़ी बढ़ा पाएंगे हम, क्योंकि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना और मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाना है. तो सारे एस्पेक्ट हम देख करके और स्लैब भी कर सकते हैं, ऐसा विचार है. तो आपने सुना एमएस फाइनेंस अर्जुन मेघवाल को, जिन्होंने कहा इस बैठक में जो अहम मुद्दा रहेगा वो रेट को लेकर होगा, स्लैब्स बनाने पर भी विचार किया जा सकता है. और इस खबर के चलते आज एक बार फिर से सभी लॉजिस्टिक्स स्पेस की जो कंपनी है वो आज फोकस में है. फिर चाहे आप गति की बात करें, वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात करें, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात करें, एक अच्छा अपमूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है. फिलहाल निफ्टी 88549 के लेवल्स, यानी 8850 के स्तर को फिलहाल उसके आसपास ही ये रेट करने की कोशिश कर रहा है. लॉजिस्टिक्स स्पेस की कुछ कंपनियों को देखें तो यहाँ पर कंटेनर कॉप लगभग 1% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है. एजीज लॉजिस्टिक्स यहां पर भी एक अपटेक ही देखने को मिला है.